मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवर ब्रिज के पास शुक्रवार के अहले सुबह खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। वह बालू लदे ट्रक में सो रहा था। इसी दौरान पीछे से दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर कूदकर भाग निकला। अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर अय्यापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक ड्राइवर का शव केबिन से बाहर लटका हुआ था। छानबीन करने के बाद ट्रक ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। अय्यापुर पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि मृतक की पहचान नहीं हुई है। ट्रक स्थानीय बताया जा रहा है, इसकी तलाश ली जा रही है ताकि कोई कागजात मिले जिससे मृतक की पहचान हो। पुलिस ने दोनों ट्रक को जब्त कर लिया है। टक्कर मारने वाले ट्रक के नंबर से इसके ऑनर का पता किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर बालू लेकर आया था। सुबह के 4 बज रहे थे। इसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण वह ट्रक में सो गया। ट्रक हाईवे किनारे खड़ा था। इसी दौरान दूसरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई होगी जिस कारण से यह हादसा हुआ। क्या घटना घटा सर? घटना हमको बकरी चौक पर थे बस्ती के दरबार में जी। तो हमको एक दूध गाड़ी जाकर बोला कि मेडिकल ओवर ब्रिज के पश्चिम साइड में ट्रक लड़ गया, इसमें लगता है कि मर गया है जी। तो वहाँ से हम आए और उसके बाद और एक गश्ती के बुलाए, बुला करके इसका व्यवस्था किए, टोल प्लाजा वाला फोन किए, फिर जैसी भी मंगवाए, खुद मैं अपने मंगवाए, मंगवा कर नाश निकाल करके इसको भिजवा। दूसरे गाड़ी का क्या स्थिति है सर? पहले गाड़ी जो है जी, गाड़ी पहले से शायद ख़राब है, उसका मतलब गियर वियर शायद ख़राब है, वो अथी लगाए जॉकुक लगाए हुए है। हाँ, गाड़ी खड़ी थी खराब के कारण, तो उसी में आकर गई पीछे से भ्रंत। वही ना ठोक दिया होगा। इसका कुछ मालूम चला है कहाँ का है क्या है? ये हम लोग गाड़ी के बॉडी पर से नंबर लिए हैं, ड्राइवर उसका मालिक बता रहा है कि हिस्सा का है। उसका गाड़ी के मालिक बता रहा है कि हमारा सास मर गई है, तो इसमें हम अभी ढोआ ढोआन में लगल हैं। सूचना दीजिए, गाड़ी मालिक को सूचना दीजिए।